वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की रेसिपी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो संक्रांति का फेस्टिवल हो और हम गुड़ की कोई रेसिपी नहीं बनाया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो हम बनाने जा रहे हैं मुरमुरे के लड्डू। तो यहाँ हम मुरमुरे को थोड़ा सा कुरकुरा कर लेते हैं, मतलब कि उसे अच्छे तरीके से भून लेते हैं जिससे कि मुरमुरे सिले हुए ना हों। तो हमने गैस पर कढ़ाई को रख के उसमें मुरमुरे डाल दिए हैं और इसे धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुरकुरा कर लेंगे। क्रिस्पी होने तक इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे। मुरमुरे को क्रिस्पी होने में 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए हम इसे चेक कर लेते हैं, इसे हम फोड़ के देखेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से फूट जाएंगे, इसका मतलब ये क्रिस्पी हो चुके हैं। तो हम इसे बड़े परात में पलट लेंगे। तो यहाँ सारे मुरमुरों को हमने अच्छे से गरम कर लिया है। सेम कढ़ाई में हम क्या करेंगे, 1 चम्मच के करीब घी डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून घी ले लिया है। अब हम इसमें अब गुड़ ऐड कर देंगे। तो यहाँ मेरे पास जैगरी पाउडर था, मतलब गुड़ का पाउडर, आप चाहें तो यहाँ गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के ही बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो इसमें गुड़ ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो फिर इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे जब तक कि गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे और फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे जिससे कि गुड़ जल्दी से जल ना जाए। तो देखिए यहाँ गुड़ पक गया है। अब हम इसे अच्छे से चेक कर लेते हैं। तो हमने कटोरी में पानी लेकर इसमें गुड़ की कुछ बूंदें डाली हैं। तो देखिए ये इकट्ठा करने पे हाथ से इसकी लोई सी बन जा रही है, इसका मतलब हमारी जो चाशनी है वो लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें अपने सारे मुरमुरे को ऐड कर देते हैं। हम यहाँ थोड़ा थोड़ा करके मुरमुरे को ऐड करेंगे क्योंकि मुरमुरे थोड़े ज़्यादा हैं और कढ़ाई थोड़ी छोटी है। तो इसमें चलाकर जिसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो पहले थोड़ा सा डालकर ऐड करके मिक्स करेंगे, फिर बाकी के मुरमुरे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम बाकी के बचे हुए भी मुरमुरे हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे तरीके से चला लेते हैं। तो हमारा यहाँ रेशियो 3 कप मुरमुरे का था और 1 कप गुड़ का था। तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। तीन बड़े कप यहाँ पे मुरमुरे थे और 1 कप भर के यहाँ पे गुड़ था। तो अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसी तरह चलाते रहेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए ये अब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब यहाँ हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और मैं आपको यहाँ लड्डू बनाकर दिखाती हूँ। तो हमने हाथ में हल्का सा पानी लगा लिया है जिससे कि लड्डू बनाते समय गुड़ हमारे हाथ में चिपके ना। तो मिश्रण को थोड़ा सा हाथ में ले लेंगे और हल्के हाथों से दबाते हुए इन लड्डुओं को बनाएंगे। तो यहाँ सिर्फ एक ही टिप्स है कि आपको अगर ज़्यादा लड्डू बनाना है तो आप किसी की मदद ले लें, अदरवाइज मिश्रण जैसे भी ठंडा होगा, जैसे ठंडा होता जाएगा वो लड्डू बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसीलिए आप किसी की हेल्प ले लें ताकि जल्दी से सारे लड्डू को बना सकें। देखिए यहाँ लड्डू बन के बिल्कुल रेडी हो गया। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी लड्डू बना लेंगे। ये बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत कम समय में ये लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं। तो हम इसी तरीके से सारे लड्डू बना लेंगे। एक और लड्डू बना के दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए हाथ में हल्का सा पानी लगाया और थोड़ा सा मिश्रण लिया और इसे हल्के हाथों से दबाकर, देखिए हमारा एक और लड्डू बनके तैयार है। बस इसी तरीके से हमें सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम मुरमुरे से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर दिए थे और इतने सारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो हम तो हर मकर संक्रांति पर हर साल गुड़ और मुरमुरे के लड्डू इसी तरीके से बनाकर घर पर खाते हैं। और आप भी चाहें तो आपको रेसिपी पसंद आओ तो आप भी बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप भी बनाइए और इन्जॉय करिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।